सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट से आ रही है एक बड़ी खबर। जी हाँ, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में मनीष का किरदार निभाने वाले एक्टर सचिन त्यागी, जी हाँ, जो कार्तिक के पिता का किरदार निभा रहे हैं, वो कोविड पॉजिटिव पाए गए। पिछले कई दिनों से उन्हें बुखार आ रहा था और उन्हें कोविड के कुछ सिम्टम्स थे और उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट करवाया और कल ही उनकी रिपोर्ट आई है जिसमें उन्हें कोविड पॉजिटिव पाया गया। उनके कोविड पॉजिटिव होने पर सेट पर भी कई सारे लोगों ने अपना कोरोना टेस्ट करवाया है जिसमें कुछ लोग पॉजिटिव और कुछ लोग नेगेटिव आए हैं। सबसे ज़्यादा उन लोगों को टेंशन है जो सचिन त्यागी के साथ थे और वो उनके साथ शूट कर रहे थे। शो के लीड एक्टर नायरा और कार्तिक की बात करें तो इधर बीच काफ़ी सीन सचिन के साथ उन दोनों के थे, पूरी फैमिली के साथ ये दोनों भी इसके काफ़ी करीब थे, खासकर कार्तिक, क्योंकि इस समय जो सीन चल रहा है उसमें मनीष एक बच्चे जैसे हो गए हैं, उनका वो मैं अपनी पुरानी यादें खो चुके हैं और याददाश्त चली गई है और उनको कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसमें वो अपने बच्चे वाले कंडीशन में पहुंच चुके हैं और ऐसे में उन्हें संभालने का, उन्हें खिलाने पिलाने का, उन्हें अपने साथ घुमाने का सारा काम कार्तिक और नायरा कर रहे थे। ऐसे में सेट से ये खबर आ रही है कि अब सचिन को जहां कुछ दिनों के लिए सेट से आने से रोका जाएगा, उन सारे लोगों को भी अब कुछ दिन सेट पर आने से मना कर दिया गया है जो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है जो इस समय TRP चार्ट में काफ़ी बेहतरीन जगह पर है, नंबर 2 या 3 की पोजिशन पर है, इस वजह से कोविड की वजह से क्या इसकी शूटिंग कुछ दिनों के लिए रोक दी जाएगी या फिर शो में ऐसा कोई ट्रैक दिखाएंगे जिससे शो में मनीष बाहर चले गए हैं, कुछ दिनों के लिए गायब हो गए हैं और उसके बाद सेट की शूटिंग कुछ दिनों तक चलती रहेगी जब तक उनकी हेल्थ ठीक ना हो जाए और फिर से टेस्ट के बाद उनका कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट ना आ जाए।